हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा स्लीपिंग मास्क जिसे मैं पिछले 10 दिनों से यूज़ कर रही हूँ और सिर्फ 10 दिनों में ही इसने मेरे फेस के एक्ने स्कार्स पिगमेंटेशन को 80% तक कम कर दिया है। मेरे फेस पे जो डार्क स्पॉट थे वो 80% कम हो गए हैं। और ये स्लीपिंग मास्क बिल्कुल भी महंगा नहीं है, बहुत अफोर्डेबल है, सुपर अफोर्डेबल है, क्योंकि इस स्लीपिंग मास्क को हमने घर पे बनाया है। तो अगर आप जानना चाहती हैं कि कैसे आप DIY करके स्लीपिंग मास्क घर पे बना सकती हैं और कैसे आप उसके सही बेनिफिट ले सकती हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपको स्लीपिंग मास्क बनाना कैसे है, यूज़ कैसे करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो अगर आप जानना चाहती हैं ये सभी बातें, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम्स मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहूँगी। आज के स्लीपिंग मास्क के लिए मैं जितने भी इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाली हूँ वो मैंने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट किए हैं, जो कि मेरी स्किन के लिए बेनिफिशियल हैं और सूटेबल हैं। अगर इनमें से कोई सा भी इंग्रेडिएंट आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल या सूटेबल नहीं है तो आप उसे बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट आपकी स्किन के लिए सूटेबल है वही आपको सही बेनिफिट देगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इनमें से कोई सा भी इंग्रेडिएंट पहली बार ट्राई करने जा रही हैं तो पैच टेस्ट जरूर कर लें, उसके बाद ही उसे अपने फुल फेस पे यूज़ करें। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आएगा कि स्लीपिंग मास्क हम क्यों यूज़ करते हैं। तो देखिए, स्लीपिंग मास्क को यूज़ करने के वैसे तो बहुत सारे अलग अलग रीज़न और बेनिफिट्स हैं, बट मैं कुछ रीज़न और कुछ बेनिफिट्स आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहला रीज़न या बेनिफिट ये है कि अगर आप स्लीपिंग मास्क यूज़ करती हैं तो आपने जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, अपने फेस पे अप्लाई किए हैं, सबसे पहला काम तो स्लीपिंग मास्क ये करता है कि उन सभी इंग्रेडिएंट को या सभी प्रोडक्ट को सील कर देता है, लॉक कर देता है, जिसकी वजह से उनका जो वर्क होता है या बेनिफिट होता है आपके लिए डबल हो जाता है। दूसरा रीज़न या बेनिफिट ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा डिटेल स्किन केयर रूटीन फॉलो करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, उसके पीछे रीज़न बहुत सारे हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम बस फेस मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेते हैं, फेस वॉश के बाद डन। तो ऐसे में अगर आप मॉइस्चराइज़र के बाद या सिर्फ मॉइस्चराइज़र को भी स्किप कर दीजिए और सिर्फ स्लीपिंग मास्क ही यूज़ कर लेती हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपने जो डिटेल स्किन केयर रूटीन किया है उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा स्लीपिंग मास्क से। और तीसरा जो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा पॉइंट है वो ये है कि स्लीपिंग मास्क जो है वो आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है, कोलाजन होता है, उसे बिल्ड करता है, बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन हमेशा फर्म और हमेशा यूथफुल ग्लोइंग रहेगी और आपकी स्किन पे जो फाइन लाइन रिंकल्स हैं ये टाइम से पहले बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो स्लीपिंग मास्क बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बस आपको उसे सही तरीके से यूज़ करना है। वैसे आज के वीडियो में मैं जो स्लीपिंग मास्क आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप उसे डे टाइम में भी यूज़ कर सकती हैं, दिन में 2-3 बार भी यूज़ कर सकती हैं, फेस पैक की तरह या फेस मॉइस्चराइज़र की तरह, लेकिन नाइट में उसे आपको ज़रूर यूज़ करना है अगर आप चाहती हैं कि वो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि स्लीपिंग मास्क को हमेशा स्किन केयर करने के बाद अप्लाई करना है। जैसे कि आपने अपना फुल स्किन केयर रूटीन फॉलो कर लिया, आपका फेस वॉश हो गया या स्क्रब, फेस पैक, सीरम, टोनर, मॉइस्चराइज़र, जो भी आपको यूज़ करना है, नाइट क्रीम, आप सब कुछ अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए और जो लास्ट स्टेप होगा वो होगा स्लीपिंग मास्क का, जिससे कि वो अपना काम अच्छे से कर सके और आपने जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई किया है उसे वो सील कर सके, लॉक कर सके। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस स्लीपिंग मास्क को बनाने के लिए आपको किन किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट और सबसे मेन इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल। और एलोवेरा जेल के बेनिफिट के बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की ज़रूरत है, क्योंकि एलोवेरा जेल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी स्किन के लिए।
पिंपल, एक्ने, पिगमेंटेशन, सन टैन और साथ ही साथ आपकी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाने के लिए, आपके कॉम्प्लेक्शन को लाइट करने के लिए एलोवेरा जेल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पतंजलि का एलोवेरा जेल, क्योंकि ये अब तक का एक ऐसा इकलौता एलोवेरा जेल है जो कि मेरी स्किन पे इंस्टेंट रिजल्ट देता है या इंस्टेंट इफेक्ट इसका दिखता है। तो फिलहाल मैं ये यूज़ करने वाली हूँ। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकती हैं जो भी आपको पसंद हो। जो सेकेंड इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो है हनी। हाँ, हनी मैं यूज़ कर रही हूँ अपोलो फार्मेसी का, बट आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी ब्रांड का हनी यूज़ कर सकती हैं, जो भी आपके पास, जो भी आपके किचन में टाइम हो। थर्ड इंग्रेडिएंट भी बहुत मेन है और वो है टी ट्री एसेंशियल ऑयल। अब आप सोचे होंगे कि टी ट्री एसेंशियल ऑयल का मैं इसे क्यों यूज़ कर रही हूँ, तो टी ट्री एसेंशियल ऑयल भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, स्पेशली अगर आपके फेस पे एक्ने, एक्ने स्कार्स हैं या बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्ने हैं, पिम्पल्स हैं, तो आपको टी ट्री जरूर यूज़ करना चाहिए। ये मस्ट हैव प्रोडक्ट है। और अगर हनी के बेनिफिट की बात करूँ तो हनी भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, अगर आपकी स्किन के लिए सूटेबल है तो, क्योंकि हनी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करता है, सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है, ग्लोइंग स्किन आपको देता है और साथ ही साथ आपके पोर्स के लिए बहुत अच्छा है, पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है और एक्ने के लिए भी बहुत अच्छा है। आपके फेस पे एक्ने स्कार्स हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये तीनों ही इंग्रेडिएंट जो हैं, अगर आप इनका अलग अलग वर्क देखेंगे तब भी ये बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम को टारगेट करते हैं, और जब आप इन तीनों को मिक्स कर देते हैं तो आप सोच सकती हैं कि ये आपकी स्किन के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपको कितनी कितनी क्वांटिटी लेनी है इन प्रोडक्ट की, इन इंग्रेडिएंट की। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल, और एक टेबल स्पून के अराउंड मैं एलोवेरा जेल ले रही हूँ, और इसमें मैं मिक्स करूँगी 4 से 5 ड्रॉप हनी की। और जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है टी ट्री ऑयल, तो टी ट्री ऑयल भी मैं 5 से 6 ड्रॉप्स ऐड करूँगी। और ये जो मैंने स्लीपिंग मास्क बनाया है ये मैं सिर्फ 2 दिनों के लिए बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा दिनों के लिए बना रही हैं, 1 से 2 वीक के लिए, तो क्वांटिटी को आप थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा। स्लीपिंग मास्क रेडी है और मैंने बहुत थोड़ा सा ही बनाया है, लेकिन आप अगर स्टोर करके रखना चाहती हैं तो आप इसे ज़्यादा बना सकती हैं, और 1 से 2 वीक के लिए आप इसे इजीली स्टोर करके रख सकती हैं, और साथ ही साथ आप इसे दिन में 2-3 बार भी यूज़ कर सकती हैं। लेकिन स्लीपिंग मास्क की तरह नहीं, फेस मास्क की तरह, बाकी स्लीपिंग मास्क की तरह तो ये बहुत अच्छा काम करता है। अपनी स्किन केयर का सबसे लास्ट स्टेप आपको यही करना है, क्योंकि इसके बाद आपको कुछ भी नहीं अप्लाई करना है। तो आपने स्लीपिंग मास्क के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स देख ली। अब बारी आती है बेनिफिट की। तो अगर आप चाहती हैं कि आपकी स्किन हमेशा क्लीन, क्लियर और ग्लोइंग, हेल्दी बनी रहे, तो आपको स्लीपिंग मास्क को अपनी स्किन केयर रूटीन में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। यहाँ पे मैं एक पॉइंट आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूँगी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि हनी को हम ओवरनाइट कैसे रख सकते हैं, क्योंकि हनी थोड़ी सी स्टिकी होती है। तो हनी की जो क्वांटिटी है आप उसे थोड़ा सा कम कर सकती हैं, जैसे कि 1/2 स्पून से भी कम कर सकती हैं। डिपेंड करता है कि आप जो स्लीपिंग मास्क बना रही हैं वो कितने दिनों के लिए बना रही हैं। तो आप हनी को सिर्फ थोड़ा सा ऐड करेंगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया है और मुझे पता है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है। जैसे कोई एलोवेरा जेल होते हैं, कई होते हैं, तो वो थोड़े से स्टिकी से फील होते हैं, एग्जैक्ट वैसे ये स्लीपिंग मास्क भी फील होता है, बट आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बारी आती है कि मुझे इस स्लीपिंग मास्क के बेनिफिट जो है वो कितने दिनों में मिले हैं और मेरी स्किन के लिए ये कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ है। तो मुझे इस स्लीपिंग मास्क के रिज़ल्ट जो है वो 1 वीक में मिल गए हैं।
फर्स्ट ईयर सेकेंड डे से ही मुझे पता चल गया था कि हाँ ये स्लीपिंग मास्क मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट मैंने ऐड किए हैं सभी मेरी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और स्पेशली एलोवेरा जेल और टी ट्री ऑयल, ये दोनों ही इंग्रेडिएंट मेरी स्किन के लिए हमेशा मैजिकल वर्क करते हैं। और एक बात कि आपने मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था कि मेरे फेस पे बहुत सारे एक्टिव एक्ने हो गए थे और एक्ने के जो स्कार्स थे वो बहुत ज़्यादा हो गए थे। अब मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ मेरी वो प्रॉब्लम जो है वो 80% जा चुकी है। मैंने इस स्लीपिंग मास्क को सिर्फ अभी 10 दिन, हाँ शायद 10 दिन ही यूज़ किया है, और इतने में ही मुझे इसका रिजल्ट इतना ज़्यादा मिला है। तो अगर आप चाहती हैं कि ये स्लीपिंग मास्क आपके लिए भी बेनिफिशियल हो तो आपको इसे रेगुलर यूज़ करना होगा, सही तरीके से यूज़ करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर एक दिन यूज़ करेंगी तो आपको इसके रिजल्ट मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी इसे रेगुलर यूज़ कर रही हूँ तभी मैंने ये स्लीपिंग मास्क आप लोगों के साथ शेयर। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया एक सुपर अफोर्डेबल स्लीपिंग मास्क जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, और ये आपको 1 वीक में ही विजिबल रिजल्ट दे देगा। तो अगर आप चाहती हैं कि आपको भी इसके रिजल्ट मिले, आपको भी इसके बेनिफिट मिले, तो इसे ट्राई करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे आप मेरे सारे वीडियोज देख सकें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।